हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, और ये मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 2 है। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 8th डे। ओके, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आप सोच रहे होंगे लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें जो है वो डिटेल बताया गया है इसके इंट्रोडक्शन में। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड हम ले जाएंगे ऑक्यूरेंस सेकेंड, यानी ऑक्यूरेंस ऑफ एलिमेंट, मिनरल्स एंड ओर्स, एंड स्टार्ट करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने पैराग्राफ फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन में ही ले लिया था, ताकि आपको डिटेल पता लग जाए। तो जैसे कि बच्चों, हमने प्योर सब्सटेंस जो है वो स्टडी किया था, सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में हमने क्या देखा था कि जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं, अब मैं नहीं बताऊंगी बच्चों एलिमेंट क्या होता है, मैं नहीं अब इस यहाँ पर डिस्कस करूंगी मॉलिक्यूल क्या होता है या कंपाउंड क्या होता है। मैंने डेफिनेशन सहित जो है इसमें पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल जब किसी चीज़ को तैयार करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, यानी किस तरीके से कि यहाँ पर जो है ये पूरा बना है एक ही तरह के पार्टिकल से। अगर ये चीज़ देखा जाए कि यहाँ पर तैयार तो हुआ है लेकिन सारे पार्टिकल इसके एक जैसे ना होके बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको प्योर सब्सटेंस जो है वो नहीं कहा जाएगा। प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाएगा? इसको, जहाँ पर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल यूज होते हैं। ठीक है, अब किसी को हम या किसी सब्सटेंस को या किसी सैंपल को हम, जो कि जिसमें हमें एलिमेंट बताया जाए या फिर हमारे पास कंपाउंड दिया जाए, कंपाउंड, ठीक है, उसको हम प्योर सब्सटेंसेस किस आधार पर कहते हैं, किस चीज़ से उसको हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन एलिमेंट है या जो हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस है। वो डिपेंड करता है कि उसको बनाने वाले जो एटम है, मैंने बोला ना हर जो चीज़ है हमारे आसपास है ना, वो सब चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसको कि हम एटम बोलते हैं। तो थोड़ा मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ बच्चों, पार्ट 1 पढ़ लेना, क्योंकि डिटेल मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारे पास जो गिवन एलिमेंट है या गिवन कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस है, वो हम पता लगाते हैं कि इस एलिमेंट को बनने के लिए जितने भी पार्टिकल्स या जितने भी मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं वो अगर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स को बनने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है, तो उनमें जो डिफरेंस आता है, वो किस आधार पर आता है? पहली चीज़, वो एक तो फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और दूसरी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा वाटर, ठीक है, हमने पीछे वाटर भी डिस्कस किया था कि वाटर कैसे बनता है, H2O। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम यूज़ हुए हैं यहाँ, ठीक है। फिर सेम शुगर, सेम सॉल्ट, सेम प्रोटीन क्रिस्टल। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि प्योर सब्सटेंस हम कब किसको बोल सकते हैं, और जब वो एक दूसरे से अलग होता है तो किस आधार पर अलग होता है, किस वजह से अलग होता है, या फिर कह सकते हैं वो हमारे को कैसे अलग दिखता है। तो वो हमारे को अलग दिखता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो आपको चार्ट है वो क्लास 10th में आपको दिखाई देगा। ठीक है,
तो हमारे पास कम से कम अभी प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी हर एक की जो स्टडी है, अलग अलग करना जो है, सेपरेटली उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी उनकी ग्रुपिंग की, उनको ग्रुप में लाने की, ताकि हम उनकी स्टडी जो है वो अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर तो जब उनको ग्रुप किया गया, किसको ग्रुप किया गया, एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स की जब ग्रुपिंग की गई तो उसे नाम दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला मैटर एंड नेक्स्ट दूसरा नॉन मैटर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है, वो किस आधार पर हुआ है, सेम वही जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उनको जो बांटा गया है, वो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको अलग अलग किया गया है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, यही वाला आपका जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट के दो पैराग्राफ है ना, पेज नंबर 37 पे। तो यहाँ पर सबसे पहला पैराग्राफ में क्या बोला गया कि हमारे पास प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स है, जिसकी स्टडी एक एक की स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कई ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं, तो फिर क्या हुआ कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले थे उनको क्या किया, एक साइड डाला, और जो दूसरे वाले थे वो एक साइड डाले। कैसे कि आपके पास आपको वाटर दे दिया जाए, ये हटा दूँ थोड़ा सा हटा देती हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ उसको। आपके पास वाटर दे दिया जाए आपको, और कोई मैंगो जूस दे दिया जाए, और आपको सैंड दे दी जाए, और आपको सॉइल दे दी जाए, उसके पास आपके पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, इसके बाद आपको एक नाइट्रोजन का सिलेंडर मिल जाए, तो क्या करोगे आप इसको, अगर आपको डिफरेंस करने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको जो है वो लिक्विड की कैटेगरी में डालोगे, इसको जो है आप सॉलिड की कैटेगरी में डालोगे, और ये जो है उसको आप गैस की कैटेगरी में डालोगे। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही थोड़ा सा फिनोमेना है कि जो सेम कैटेगरी वाले थे, जो सेम कैटेगरी वाले थे या सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले थे, उनको अलग किया गया, और जो अलग थे उनको अलग कर दिया गया। अलग यानी हर एक की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती ना, हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, ये प्रॉपर्टी थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूरेंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल, ठीक है, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी के बारे में पहले बात करते हैं। आप चाहे तो ऐसा मेटल और ऐसे नॉन मेटल लिख के आप एक टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पिक्चर्स वगैरह लगानी थी इसलिए मेरे पास इतनी जगह नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स के। तो बच्चों मेटल जो है हमारे अर्थ के जो क्रस्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये जो आप इसके बाद देख रहे हो, ये वाली लेयर, ये मेटल है, ठीक है। ये जो है ये आउटर कोर है, और ये वाला जो पोर्शन है वो इनर कोर है। तो यहाँ पर आपको एक 3D लाइक शेप दिख रही है, तो यहाँ से आप समझने का कोशिश करना। ये जो है ये हमारा क्रस्ट है, ये जो है ये हमारा मेटल है, ये जो है हमारा आउटर कोर है, और ये जो है सबसे अंदर वाला इनर कोर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमें मेटल यहाँ पर मिलता है वो मिलता है हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, आई है। और इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है एल्यूमिनियम के बाद वो है आयरन, ठीक है बच्चों। कई मेटल ऐसे होते हैं बच्चों जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर देखो हाईली रिएक्टिव मेटल, अभी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, कौन सा, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, फिर वैसे आप समझ भी जाओगे, ऐसा नहीं है, पर डेफिनेशन लिखोगे ना तो एग्ज़ाम के टाइम में याद रहेगा कि मतलब क्या था।
क्योंकि जब कोई चीज़ नई होती है तो वो थोड़े टाइम में ऐसा लगता है कि हाँ ये या पता लग चुका है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल सबसे पहले सिर्फ इतना ही देख लो आप स्क्रीन पे, है ना, ये वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं बच्चों जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आते ही जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हवा के संपर्क में आएंगे, किसी एसिड के संपर्क में आएंगे, संपर्क यानी कॉन्टेक्ट में आएंगे। लैंग्वेज ऐसी हम यूज़ करते हैं जो सब बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुछ बच्चों को हो सकता है संपर्क ना समझ में आए तो कांटेक्ट, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट ना समझ पाए तो संपर्क, यानी अपना मेन फोकस जो है वो लैंग्वेज से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट जो कि तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, है ना। तो गुस्से वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये एसिड, वाटर, मिनरल एसिड या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एसिड के नज़दीक आते ही जो है ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ एक टेबल बनाया गया है, तो देखो यहाँ पर एक सीरीज तैयार की गई है कि मोस्ट रिएक्टिव से जाते जाते ये नीचे लीस्ट रिएक्टिव तक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, इसके बाद बारी आती है सोडियम की, फिर कैल्शियम की। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो, और अगर लीस्ट पढ़े, ठीक है, लीस्ट क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में बात करें तो लीस्ट है हमारा प्लैटिना, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर सिल्वर। यानी ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो लीस्ट की कैटेगरी, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो कौन सी कैटेगरी आती जाएगी बच्चों, किसकी, मोस्ट रिएक्टिव की। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का है, और नीचे वाले को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के भी कांटेक्ट में आए, जो इसका अपना नेचर है वो नहीं छोड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके लास्ट लाइन में एक वर्ड लिखा है, नेटिव स्टेट, ठीक है। तो ये भी आपको जो है नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी आपके फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो आगे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि नेटिव स्टेट में जो हमें मेटल मिलते हैं या नेटिव एलिमेंट, ऐसे केमिकल एलिमेंट को बोलते हैं जो कि सबसे पहली चीज़ हमें नेचर में मिलते हैं, और नेचर में भी किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। आगे और भी चीज़ें आएगी जो कि आपको साथ साथ नोट करते रहनी है। तो नेटिव स्टेट में हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि पहली चीज़ जो कि नेचर में मिलते हैं हमें, और किस फॉर्म में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में, ठीक है। अब जाते हैं हमने नेक्स्ट, और नेक्स्ट इसका हम नॉन मेटल पढ़ेंगे, नॉन मेटल। चलो अब हम पढ़ लेते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल जो है बच्चों हमारे एटमोसफियर में, एटमोसफियर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ याद रखना, ये हमारा कीवर्ड है फ्री स्टेट, ये हम, मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, या तो फिर नहीं तो बाद में फिर हो जाता है कि फ्री स्टेट क्या होता है, ये भी आपके लिए जो है वो, जैसे पीछे हमने नेटिव स्टेट पढ़ा था वैसे ही हमें फ्री स्टेट भी आप लोगों के लिए नया है। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे इसके एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। तो लिख लो, फिर मैं यहाँ से हटा दूंगी क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। द एलिमेंट विच इज नॉट कंबाइंड विथ केमिकल बाउंडेड टू अदर एलिमेंट इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑफ फ्री स्टेट, ठीक है बच्चों। कि ऐसे एलिमेंट जो कि
कंबाइंड नहीं होते हैं या फिर केमिकल दूसरों के साथ अपना बाउंड नहीं तैयार करते हैं तो उनको बोलते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपकी बुक में भी अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ऐसे नॉन मेटल का एग्जाम्पल दिया गया है। तो कुछ ऐसे नॉन मेटल जो है हटा दो बच्चों इसको, मैं थोड़ा आप वीडियो पीछे का पॉज कर लेना और इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है, या पीछे आप वीडियो कर लेना क्योंकि मेरे को फिर लिखने में दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर आगे ले जाऊंगी स्क्रीन तो फिर भी आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो अपने कंपाउंड के साथ भी इस एटमॉस्फेयर में या इस नेचर में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। हमने कंपाउंड की डेफिनेशन लिख ली है, और वो कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, वो कंपाउंड ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, इनके साथ भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सल्फर की, ठीक है, यहाँ पर सल्फर पीएच भी हो सकता है जैसे आपकी बुक में लिखा है, ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे मैम फ्री स्टेट तो आपने बता दिया और कंबाइंड स्टेट क्या होता है, ठीक है, ये कंबाइंड स्टेट भी जो है ये एक नया ही कीवर्ड है आपके लिए, तो हम ये कंबाइंड स्टेट की भी जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो साथ साथ पहले लिख ही लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं, तो ये हटा देती हूँ मैं, ठीक है। कंबाइंड स्टेट, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू डिसिमिलर, समझ रहे हो ना बच्चों आप, जो एक दूसरे से जो है वो मैच ना हो, मिले ना, या डिफरेंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, dissimilar elements combined in a definite ratio, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों SiO2, ठीक है। अब SiO2 क्या होता है, SiO2 होता है सिलिकन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हियर ऑक्सीजन एटम आर कंबाइंड इन अ डेफिनेट रेशियो ऑफ सिलिकन एटम एंड दैट इज अ रेशियो 2:1, ठीक है। जैसे हमने एक और चीज समझ लो आप, ये थोड़ा सा हम हटा देते हैं, जैसे हमने पीछे वाटर पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था, Lecture 1 में, तो H2O, तो यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा था, 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम थे एंड ऑक्सीजन का 1 एटम था, तो सेम सिमिलर इसको भी हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे कंपाउंड जो कि एटलीस्ट दो डिसिमिलर यानी एक दूसरे से जो मैच नहीं करते एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के साथ जब कंबाइंड होता है, मिलते हैं, लेकिन उनकी एक रेशियो फिक्स्ड होती है, यानी अगर सिलिकन कितना है यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर जो इनका रेशियो होगा वो फिक्स होगा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है बच्चों, चले आगे। चलो तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं ताकि यहीं पर हमारी आगे की स्टडीज चल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंबाइंड स्टेट पढ़ लिया, अब कार्बन जो है ये किस में आता है, ये आता है इसके नेटिव स्टेट में। नेटिव स्टेट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को डेफिनेशन लिखा ली, ठीक है। और इसका नेटिव स्टेट क्या है, कार्बन का नेटिव स्टेट क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, नीचे लिखा है इसलिए मैं आधा आधा लिख रही हूँ यहाँ पर, ग्रेफाइट है, इसके अलावा क्या है, फ्लोरीन है,
ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ये कर देते फुलोरिन है। इसके अलावा ये अपने कंपाउंड के साथ भी मिलता है, कंपाउंड। तो कार्बन का कंपाउंड क्या होगा बच्चों? कार्बन का कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से जो हमारा ये कार्बन है ये नेटिव स्टेट में भी पाया जाता है और कंपाउंड में भी मिलता है, कंपाउंड में भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर पूछा जाए नेटिव कौन सा है तो तुम बोलो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। एंड अगर इसके कंपाउंड की बात करेगी, कार्बन के कंपाउंड क्या है, तो कार्बन के कंपाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है एंड बायकार्बोनेट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल। तो मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है, देखो बच्चों यहाँ पर आपकी डेफिनेशन जो है ऑलरेडी बुक में दी गई है, ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा सिंपल किया है। ठीक है, तो मिनरल जो है सबसे पहले एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से इनऑर्गेनिक, इन ऑर्गेनिक यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिविंग थिंग से नहीं बनते। ठीक है, तो मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ। सबसे पहले वो अर्थ पर या अर्थ सरफेस में, डीप अंडर द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस यानी डीप अंडर द अर्थ सरफेस में नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ये किस चीज से नहीं बनते, एंड आर नॉट फॉर्म फ्रॉम एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर, यानी वो लिविंग चीजों से वो तैयार नहीं होते हैं। तो आप अपनी जो डेफिनेशन है, अ मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक, सेम वही चीज है ये, बस जस्ट थोड़ा सा इसको और इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा ओर। तो ओर क्या है? नेचुरली अकरिंग, ये भी नेचुरल अकरिंग होता है या नेचुरली पाया जाता है। किससे पाया जाता है? सॉलिड मटेरियल से। ठीक है, और वो सॉलिड मटेरियल क्या हो सकते हैं? वो सॉलिड जो मटेरियल होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, और जनरली अ मेटल जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट यानी किससे? ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी कुछ प्रोसेस होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आपकी बुक में भी दिया गया है कि एन ओर इज अ मिनरल, कि ओर क्या है? एक मिनरल है जिसके साथ एक या एक से ज्यादा मेटल जो है वो कनेक्ट होते हैं, लेकिन जिनको कुछ प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आयरन है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आयरन उसके हेमेटाइट ओर से। तो पहले कुछ हमें इस तरीके से मिलता है, तो बाद में हम उसके कुछ आगे हम पढ़ेंगे उस प्रोसेस से हम उसको प्योर मेटल में जो है वो प्योर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो उससे बॉक्साइट ओर से जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक और चीज इसमें हम पढ़ लेते हैं, एक और चीज हमारी इसमें छूट गई थी, द सीक्वेंस। देखो आपकी बुक में नीचे लिखा हुआ, वैसे द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हो और जिसको नोट बनाना है वो लिख सकता है, अ मेटल, अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स पोर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चलता है, क्या प्रोसेस चलता है? ओर से, ठीक है, ओर से प्योर फॉर्म को निकालने का। तो द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल, एक मेटल को उससे उसके ओर से अलग करने का, जो एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है बच्चों, चलो आगे। तो कुछ एक स्टेप होते हैं जो कि रिफाइन करने या ओर से उसको मेटल को अलग किया जाता है। तो सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ
और तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से ओर से उसकी इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है, यानी जो चीज़ हमारे को नहीं चाहिए उससे उसको अलग किया जाता है। रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल ओर को ट्रीट किया जाता है, यानी मेटल को लिया जाता है उसके ओर से। और रिफाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि इम्प्योर मेटल को, यहाँ पर हमने मेटल निकाल लिया है लेकिन जो इम्प्योर मेटल अभी भी बाकी बचा हुआ है उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो ये था हमारा मिनरल एंड ओर का टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट देख लेते हैं, इसके आगे आप लोगों को फिजिकल स्टेट भी लिखना है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में हम सबसे पहले मेटल पढ़ लेते हैं। तो मेटल दे आर ऑल सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। क्यों बच्चों मर्क्यूरी? मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। आपने थर्मामीटर पहले आते थे इस तरह के थर्मामीटर, तो वहाँ पर उसमें जो है लिक्विड मर्क्यूरी जो है वो यूज़ की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें और एग्जांपल अगर ऐड करते हैं तो आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ एग्जांपल है हमारे मेटल के, ठीक है। दूसरा है अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो है दे में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बोला जाओ कि सॉलिड में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल है जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ये एग्जाम्पल है लिक्विड का। इसके अलावा गैस का तो आपको पता है, जैसे आप ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये जो चीज़ें हैं ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है जो कि एक नॉन मेटल भी है। तो स्टूडेंट आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ एक ही पॉइंट लेके जा रही हूँ और ये हमारा पार्ट टू है। और नेक्स्ट जो आगे की क्लासेस है या आगे की इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं पार्ट थ्री में ले जाऊँगी। आई होप यहाँ तक ये आपको बातें, आपको चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।